जौनपुर में इलाज की मौत के बाद रसूलाबादी स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मंगलवार की दोपहर उग्र स्वजन व ग्रामीणों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। उग्र लोगों ने हॉस्पिटल के सामने कुछ देर रास्ता जाम भी किया। पुलिस के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जमुआही निवासी भरत देव कश्यप ने एक पखवाड़े पहले अपने 8 वर्षीय पुत्र आदर्श की पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन दिशा हॉस्पिटल में कराया था। ऑपरेशन के बाद संक्रमण व मवाद बनने पर स्वजन पुनः बालक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित स्वजन और ग्रामीण बच्चे का शव लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ की। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार मिश्रा ने समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। इसके बाद बालक का शव लेकर स्वजन चले गए। उन्होंने कहा कि छानबीन में पता चला है कि तोड़फोड़ बच्चे के स्वजन ने नहीं बल्कि किसी और ने खुन्नस को लेकर स्थानीय लोगों ने की। किसी पक्ष की तहरीर नहीं मिली है। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष का कहना है कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। 22 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था। 23 जुलाई को फिर लोग उसी बच्चे को फिर दिखाने लाए थे। शरीर में मवाद बन रहा था। बच्चा अजीब हरकतें कर रहा था। उसे ईसा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। वहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद शव लेकर आए स्वजन ने तोड़ फोड़ व स्टाफ के साथ मारपीट की।